भिवानी शहर के कुंदन नगर में बसंत महोत्सव भजन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था, जिसमें पूरे शहर के अलग अलग मोहल्लों की महिला भजन मंडली यहां उपस्थित हुई थी। बड़वानी शहर में पहली बार मात्र शक्ति द्वारा मात्र शक्ति के लिए बसंत महोत्सव के उपलक्ष्य में भजन प्रतियोगिता का आयोजन कुंदन नगर कॉलोनी में कोविड-19 के नियमानुसार रखा गया। श्री दत्त महिला सेवा समूह की अध्यक्ष संगीता लोह ने बताया कि आइए हम सब मिलकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण में अपना हर्ष प्रकट करते हुए सभी मिलकर बसंत उत्सव मनाएं। उसी के चलते भजन महिला मंडली का आयोजन रखा गया था, जिसमें बड़वानी शहर के अधिकतर मोहल्ले और कॉलोनियों की महिला भजन मंडली उक्त आयोजन में सम्मिलित हुई। सभी ने बारी बारी से अपने भजनों की प्रस्तुति दी। उक्त आयोजन देर शाम तक चलेगा, साथ ही कार्यक्रम पश्चात कढ़ी खिचड़ी की प्रसादी भी भक्तों को दी जाएगी। यह आयोजन का पहला साल था। यदि महिला मंडली चाहेगी तो हर वर्ष बसंत महोत्सव भजन प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाएगा। आपका क्या नाम? संगीता लो। आज किस तरीके का आयोजन? ये एक भजन कंपटीशन है, भजन प्रतियोगिता। बहुत दिनों से जैसे महिलाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका बहुत कम मिलता है, और भजन ऐसा माध्यम है जिसमें समरसता भी बढ़े और सभी एकत्रित होकर जहाँ कॉम्पिटिशन की भावना होती है वहाँ पे आप ही देख ही रहे हो कि इतना उत्साह से सब लोग भाग ले रहे हैं। ये पहली बार बड़वानी में आयोजन है, और अगर ऐसा ही सहयोग और सबका वो मिला उत्साह वगैरह, तो ये हर साल हम इसको बसंत उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी? हाँ, इसमें विजेता और उपविजेता के लिए सभी के लिए ट्रॉफी रखी गई है। ये भजन मंडलियाँ बड़वानी की है या बाहर की? ये पूरी बड़वानी की है, अभी बाहर की कोई भी नहीं, सभी हर कॉलोनी की भजन मंडली है इसमें। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।